हाँ हिचकी क्यों आती है मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखिए जो मुख गुहा होता है, जो मुख गुहा होता है वो बकल कैविटी में खुलता है। यहां से मुख गुहा जो है बकल कैविटी में खुल जाता है। देखिए यहां पे ये बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी, ये बकल कैविटी, इसको मुख गुहा कहते हैं। यानी कि जो भोजन आता है वो बकल कैविटी में आता है और वहां से पिस करके और सीधे नीचे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो बकल कैविटी है ये सीधे आकर के कहां पे खुलता है, तो फेरिंग्स में खुल जाता है। यहां पे ग्रसनी होती है, ग्रसनी, इसको कहते हैं फेरिंग्स, इसको फेरिंग्स कहते हैं। और ये जो फेरिंग्स होता है यहां से दो वाल्व निकलते हैं, एक होता है देखिए यहां पे श्वास नली होता है और एक होता है यहां से भोजन की नली होती है, जिसको हम कहते हैं, या इसको कहते हैं हम ग्रास नली कहते हैं, इसको हम कहेंगे ग्रास नली, ग्रास नली, जो भोजन, जो जिसके रास्ते भोजन जाता है उसको हम ग्रास नली कहते हैं और जिसके रास्ते श्वास जाता है उसको हम श्वास नली कहते हैं, श्वास नली। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया इसको बोलते हैं, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम जो है एसोफेगस, एसोफेगस बोलते हैं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जैसे ही भोजन आता है, जो बकल कैविटी होती है, जो बकल कैविटी में भोजन आती है तो ये आ जाती है सीधे ग्रास नली में, और यहां से ग्रास नली के पास यहां पे एक वाल्व लगा होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बाबू? एपिग्लॉटिस बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का मतलब होता है उपकंठ, हिंदी में इसको कहते हैं उपकंठ, उपकंठ कहते हैं। अर्थात ये जो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पे उपकंठ होती है, और यहां से पीछे की तरफ, साइड में पीछे की तरफ जो है खुलती है ग्रास नली और जो है श्वास नली। एक तरफ सांस लेते हैं और एक तरफ जो है भोजन जाता है। तो देखिए इसमें जो अभी अभी बताया हिचकी क्यों आता है, तो मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कोई मनुष्य भोजन करता है, मान लीजिए जैसे मैं भोजन कर रहा हूं या फिर भोजन करते वक्त मैं सोच रहा हूं या किसी से बात कर रहा हूं, उस पीरियड में क्या होता है कि कभी भी एक बात और ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा शरीर है पूरे शरीर का कंट्रोल जो है हमारा मस्तिष्क करता है। जो मस्तिष्क होता है ना बाबू, जो मस्तिष्क होता है ये मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जो भी क्रिया होती है वो मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई मनुष्य भोजन करता है तो वो मस्तिष्क कार्य करता है, वहां पर मस्तिष्क कार्य करता है। भोजन करते वक्त यदि कोई मनुष्य बात कर रहा है या कोई दिमाग में ऐसे सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है कि हाँ वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, चाहे मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, कुछ भी सोच रहा है और भोजन कर रहा है, तो उस पीरियड में जब निगलना होता है, भोजन को जब अंदर लेना होता है, तो उस पीरियड में क्या होता है कि यहाँ पे जो एपिग्लॉटिस जो वाल्व लगा होता है, एक वाल्व होता है एपिग्लॉटिस वाल्व होता है जो खुलता है और बंद होता रहता है। कब खुलता है कब बंद होता है ये भी मैं बता रहा हूं कि जैसे ही भोजन आता है इस नली में, ग्रास नली में आता है, तो यहां से खुल जाता है, ये खुल जाता है, खुल करके भोजन अंदर की तरफ आ जाता है। और फिर जैसे ही बंद हो जाता है वैसे हवा को हम सांस को अंदर ले लेते हैं, सांस को अंदर लेते इधर खुल जाता है, इधर की तरफ चल जाता है, ये वाल्व जो इधर की तरफ जाता है अर्थात ग्रास नली की तरफ जाता है, तो श्वास नली, श्वास जो है श्वास नली की तरफ आ जाता है। कहां पे? तो यहां पे आ जाता है, श्वास नली में आ जाता है, और यहां पे भोजन जो है आमाशय में पहुंच जाता है और यहां पे आ जाता है फेफड़ा में। अब भाई ये बात समझना है हमको कि सरकता क्यों है, तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि दिमाग तो कहीं और कार्य कर रहा है, कहीं बातचीत में कार्य कर रहा है, कोई सोच रहा है, तो आएगा कैसे? तो भोजन आते हैं तो रहता है, तो एपिग्लॉटिस कहते हैं अरे भाई मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, ये कहां बिजी हो गया, मैं इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं। अब इसी के चक्कर में वाल्व नहीं खुल पाता है, तो अब क्या होता है कि धीरे से जो है ये इधर की तरफ रहता है, ये इधर की तरफ रहता है, तो भोजन क्या होता है कि इधर की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। अब ये खुलता नहीं है क्योंकि दिमाग सोच रहा है, अब ये श्वास नली खुला हुआ है, अब ये अंदर की तरफ भोजन प्रवेश करता है। जैसे प्रवेश करता है ये कहता है अरे बाप रे ये किधर आ गया, तो ये क्या करता है कि धीरे से इसको धक्का मारता है। जब धीरे से धक्का मारता है तो ये जो है हिचकी आ जाती है, ऐसे हिचकी आ जाती है, और हिचकी आ जाती है तो दिमाग क्या कहता है कि अरे बाप रे ये क्या हुआ, तो ये कहता है कि अरे भाई आप क्या कर रहे हैं, तो ये तुरंत जो है क्या करते हैं इस वाल्व को तुरंत इधर की तरफ कर देता है और भोजन जो है सीधे आपका जो है आमाशय में आकर के चला आता है इसमें। अब जो है बात रही बात कि अगर यही बात अगर भोजन जो है अगर जो श्वास नली है श्वास नली अंदर की तरफ ज्यादा अंदर की तरफ आ जाए, भोजन श्वास नली में ज्यादा अंदर की तरफ आ जाती है, तो अब इसके बाद क्या होता है कि ये तेजी के साथ धक्का मारता है। जब तेजी के साथ जब धक्का मारता है तो बहुत तेज जो है आ जाता है और ये सरक जाता है, जिसको कहते हैं सरकना, अर्थात पूरा भोजन पानी पूरा जो है क्या कहते हैं नाक के तरफ से आदमी फेंक देता है, पूरा नाक की तरफ से आ जाता है, पूरा सरक जाता है, पूरा तीखा होकर लग जाता है नाक में, तो इस तरह से इसको कहते हैं सरकना। तो यहां पर मैं आपको बता दिया सरकना